ये ग्राउंड मेरे ताऊ जी स्वर्गीय गजराज सिंह जी दीवा और माता जी प्रतिमा जी दीवा, जैसे कि भाई साहब ने बताया एक कार एक्सीडेंट में वो हमसे बिछुड़ गए, उनकी याददाश्त को चिरस्थायी करने के लिए उनका एक सपना था, एक विजन था, एक उद्यमी उनकी सोच थी कि कैसे मेरा गांव एक सेंटर पॉइंट बने, कैसे मेरे गांव का युवा, कैसे मेरे गांव का प्रतिभाशाली खिलाड़ी शिक्षा से और खेल से जुड़े। आदमी को इनसे बहुत कुछ, व्यवहारिकता की बात अगर कोई कहीं करे तो इनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है और सीखना चाहिए। एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर पवन जी पूर्णिया के लिए। और मैं निवेदन करूंगा रघुवीर जी मूंड से और भामा साहब परिवार के सुबेदार श्री दीपचंद जी धीवा और स्कूल प्रतिनिधि सर, मैं मनिंदर और हम लोग एक वैसे तो कॉमन नेम धीमा फैमिली जो मान सकते हो चनाना धीमा फैमिली, उसमें मेरी जनरेशन में मैं सबसे बड़ा भाई हूँ मनिंदर, ये मुझसे छोटे भाई हैं कुलवीर। वैसे हम टोटल 7 भाई हैं, तो हम 2 बड़े हैं, हमें 5 बाकी अभी यहाँ हैं नहीं। और हम लोग बिजनेस करते हैं सब लोग, और उसी बिजनेस से हम लोग समझ लो गांव के विकास के लिए हमने एक बीड़ा उठाया कि ये ग्राउंड बनाएंगे, तो हम उस ग्राउंड पे इसके डेवलपमेंट के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। कहाँ से शुरुआत, किस तरीके से, मतलब कब लगा आपको कि इस तरीके से गांव में एक हॉकी का, और आज देखें तो हॉकी एक बहुत पहले जब पहले लोग यहाँ पे खेलते थे हॉकी से दूर होते जा रहे हैं, किस तरीके से आपको लगा कि हॉकी से लोगों को जुड़ना चाहिए? सर, 3 साल पहले अचानक से मेरे माताजी पिताजी का कार एक्सीडेंट हो गया, उनका देहांत हुआ, तो अब 1 साल बीत गया, हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ तो उनको उनकी याद में या फिर उनको वापस जीवित करने के लिए कुछ किया जाए। तो ये पूरा आइडिया तो स्टार्ट हुआ वहाँ से कि हमें कुछ करना है उनके याददाश्त के लिए, ताकि हम लोग जो मेरे जो पिताजी थे माताजी थे वो बहुत काफ़ी पॉपुलर नेम आस पास, हम लोग बाहर काम करते हैं, तो हमें कुछ चाहिए जो यहाँ पे उनकी आदर्श के लिए हम लोग आने वाली पुस्तकों के लिए खड़ा कर पाए, उनके जो वैल्यूज़ थी उनको कम्युनिकेट कर पाए, इसलिए हमने सोचा कि कुछ करना है। क्या करना है ये सोच विचार के कुछ ऑप्शंस थे हमारे पास, एक्सप्लोर किया हमने, फिर हमने देखा कि हेल्थ और एजुकेशन दो एस्पेक्ट पर हमें काम करना चाहिए। एजुकेशन में हम ऑलरेडी कर रहे हैं, एक स्कूल अपना, उसमें ऑलरेडी हम लोग 12th क्लास साइंस स्कूल है 12th तक, उसमें हम ऑलरेडी कर रहे हैं, तो हमने कहा हेल्थ सेक्टर को पिकअप किया जाए, और हेल्थ सेक्टर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है खेल, क्योंकि आजकल जो एनवायरनमेंट है, बच्चे हैं चाहे बड़े हैं, सब फ़ोन में रील्स और स्क्रॉल में लगे हुए हैं, तो हमने सोचा कि एक ग्राउंड बनाया जाए, और ऐसा ग्राउंड बनाया जाए जिसका यूज़ हो। जब हम ग्राउंड के बारे में रिसर्च कर रहे थे, हमने बहुत सारे लोगों से आइडियाज़ लिया, डिस्कशंस किया, इन जनरल पर्सपेक्टिव क्या है कि आपको उनकी स्मृति में कुछ बनाना है तो एक भवन बना दो, एक स्टेडियम टाइप बना दो, लेकिन हमने इंटरनली डिस्कस किया तो हम सबका मत यह था कि बनाना है तो कुछ ऐसा बनाना है जो प्रोडक्टिव हो, जो काम में आए, और जो जिससे आगे 4 लोग इंस्पायर हो और कुछ डेवलपमेंट आगे हो। तो उसी हिसाब से हमने डिसाइड किया कि ग्राउंड डेवलप करते हैं। फिर हमने इस ग्राउंड का इंजीनियर से थोड़ा मुआयना करवाया और हमने इसको फेज़ वाइज डेवलप करने का प्लान बनाया। पहले हिस्से में हमारे ये हमने सोचा कि ये वाला एरिया बनाते हैं ट्रैक के बीच का, इसमें हमने फुटबॉल और हॉकी को ग्राउंड बनाया। हॉकी का पिकअप करने का एक रीज़न ये भी है कि हमारे गाँव से हॉकी बहुत पहले से फेमस है, हमारे गाँव से बहुत लोग पहले भी हॉकी नेशनल खेल चुके हैं, तो हमारा मोटिव ये था कि उनको अगर हॉकी से स्टार्ट करेंगे तो काफ़ी लोगों को हम कनेक्ट कर पाएंगे, तो वो सोच के हमने हॉकी से स्टार्ट किया है। बाकी हमने इस ग्राउंड के आगे भी बहुत सारे फेजेस हैं, हमने 5 फेज में ग्राउंड बनाने का प्लान किया है, आगे के फेजेस में और भी बहुत सारे ग्राउंड है, वॉलीबॉल है, कबड्डी है, खो खो है, बास्केटबॉल है, ऐसे करके बहुत सारे ग्राउंड बनाने का हमारा प्लान है। तो ये पहला फेज़ है जो आप देख रहे हो, उसके बाद एथलेटिक ट्रैक है, उसका डेवलपमेंट है, उसके बाद नेक्स्ट फेज़ में हमारे और भी ग्राउंड बनाने का प्लान है। शुरुआत जो करी गई, बिक मैंने देखा कि वो शायद जड़ा तक देखा कि तरीका हूँ डेवलप एक स्टेज में पहुँचा मैं कतों के टाइम और कतों के बजट की अगर देखे जाते तो मैन खर्च हुआ। अभी तक जो भी डेवलपमेंट हमने किया है इसमें हमने, अब आपको इन टर्म्स ऑफ मनी मैं क्या बताऊँगा, लेकिन इसमें हमने ये पहले जंगल हुआ करता था, खड्डे हुआ करते थे यहाँ पे, इसको हमने काफ़ी इसमें
मिट्टी को भराव किया है, उसके बाद हमने घास मंगाया, हमने पेड़ भी डायरेक्टली 20-20 फीट के मंगवाए बाहर से, आंध्र प्रदेश से पेड़ मंगवाए ताकि इसको हमने जल्दी डेवलप कर पाए। हमारा लक्ष्य बड़ा है, ओके, हम लोग बहुत बहुत कुछ सोच रखा है, हमने प्लान कर रखा है। हमें चाहिए कि हम थोड़ा आशीर्वाद मिलता रहे गाँव वालों का ऐसे टाइम टाइम पर, तो हम इसको थोड़ा और फास्ट कर पाएंगे। बिल्कुल, गाँव की तरीका के आशीर्वाद की उम्मीद करी जाए कि गाँव की तरीका में आशीर्वाद दे। गांव का आशीर्वाद तो गांव का आशीर्वाद सहयोग है, वो आए चार मीठी बात बोलते हैं वही उनका आशीर्वाद है। किसी को देख के अच्छा लगता है, कोई सुबह आके वॉक करता है उसको अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है, तो अल्टीमेटली वो अगर इसको यूज़ करते हैं वही हमारा पहला आशीर्वाद है। अगर वो आके इसको यूज़ करते हैं, जब सुबह शाम देखते हैं 500 बच्चे और बुज़ुर्ग, सुबह 500 बच्चे शाम को वॉक करते हैं, खेलते हैं, हम कभी आते हैं तो अच्छा लगता है उनको देख के, वो उनका पहला आशीर्वाद है। जब वो यहाँ वॉक करते हैं ग्रीन ग्रास पे तो उनके मन से भी दो दुआ निकलती, वही आशीर्वाद है, वही उम्मीद करते हैं हम अभी कि वो ऐसे ही कोऑपरेट करते रहें, चीज़ों को यूज़ करें पॉजिटिवली, कोई भी डिस्ट्रक्टिव माइंड है उसको थोड़ा पुश बैक करें, तो वही गांव का आशीर्वाद है। और वो अभी तक बहुत ही अच्छा सहयोग मिल रहा है, आपने आज देखा भी होगा टूर्नामेंट में काफ़ी लोग गाँव से आए, राइट, तो वैसे ही करके धीरे 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 उसी के आशीर्वाद से हम लोग इसको आगे डेवलप करना चाह रहे हैं। बिल्कुल, मैं महेंद्र वैश्यव हूँ, बताइए आपके बाद वीर वैश्यव, गांव में सब बड़ी चीज़ की आसपास के गांव शहर के एक ग्राउंड अपन को देखने मिले वो, तो कठाऊँ जो प्रोजेक्ट है कि तरीकाओं कठाऊँ तो जानकारी जुटाएगी कि तरीकाओं अपन ने हॉकी को ग्राउंड जो बड़ा मत। सर का बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस टूर्नामेंट के समापन पे यहाँ पहुँचे। मैं डॉक्टर कुलवीर सिंह और मेरे बड़े भाई साहब मनिंदर भाई साहब और पूरे तिवा परिवार की तरफ से आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। ये ग्राउंड मेरे ताऊ जी स्वर्गीय गजराज सिंह जी दीवा और माता जी प्रतिमा जी दीवा, जैसा कि भाई साहब ने बताया एक कार एक्सीडेंट में वो हमसे बिछुड़ गए, उनकी याददाश्त को चिरस्थायी करने के लिए उनका एक सपना था, एक विजन था, एक उद्यमी उनकी सोच थी कि कैसे मेरा गांव एक सेंटर पॉइंट बने, कैसे मेरे गांव का युवा, कैसे मेरे गांव का प्रतिभाशाली खिलाड़ी शिक्षा से और खेल से जुड़े और संसाधन के अभाव में वो अपने सपनों से दूर रहे, ऐसा कुछ नहीं हो तो उनको सुविधा के अभाव में और संसाधन के अभाव में पीछे नहीं रहे, तो उनको सुविधा मुहैया कराने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए हमने उनकी याद में उनके सपनों को आगे बढ़ाने के लिए सोचा कि ऐसा क्या माध्यम है जिसकी वजह से उनको अपन जोड़ सकें। तो शिक्षा और खेल, जैसा कि भाई साहब ने बताया, शिक्षा और खेल दो ही ऐसे स्तंभ हैं जिनकी वजह से हम गांव के हर आयु वर्ग को जोड़ सकते हैं। तो बहुत सारे विकल्प थे कि क्या किया जाए, लेकिन कोरोना काल में हम थे उस समय, और कोरोना काल में जब देख रहे थे कि शहरों से गांवों की तरफ पलायन हो रहा था, तो सबसे बड़ा एक मुद्दा सामने आ रहा था कि क्यों पलायन गांव की तरफ हो रहा है, क्योंकि एक स्वस्थ वातावरण चाहिए। तो उस स्वस्थ वातावरण से ही एक खेल मैदान का ध्यान में आया और हमने बहुत सारे खेल ग्राउंड्स विजिट किए। इसको बनाने से पहले हम जयपुर SMS क्रिकेट स्टेडियम है और RCA है, वहाँ के कुछ जो डेवलपर हैं उनसे संपर्क किया, वहाँ से कॉन्टेक्ट किया, उनके सानिध्य में हमने इस ग्राउंड को डेवलप करने का प्लान किया और ठीक एक साल पहले हमने इसमें ग्रास लगाया और ये पेड़ पौधे लगाए। आज ठीक इसका एक वर्ष कंप्लीट हो चुका है और खुशी इस बात की है कि इस ग्राउंड को देख के जिला स्तरीय हॉकी टूर्नामेंट इस ग्राउंड को इस महात्मा गांधी स्कूल चनाना को मिला और एज ए प्रायोजक, आयोजक महात्मा गांधी स्कूल चनाना है, प्रायोजक के रूप में हम उनके साथ हैं और इसकी सारी व्यवस्थाएं उन गांव की तरफ से जो भी व्यवस्थाएं हैं और खिलाड़ियों के लिए जो चाहिए वो सारी व्यवस्थाएं हमने इसमें उपलब्ध करवाई और आज समापन में बहुत बड़ी खुशी हो रही है। हमें यह अवसर मिला, हमें मौका मिला, गांव को हम नई दिशा और दशा दे सके, ये हमारा सौभाग्य है। मेरा नाम सुरेंद्र राव है, गढ़ाना से हूँ मैं जी, और अभी फ़िलहाल जयपुर रह रहा हूँ। और स्वर्गीय गजराज जी
मेरे साडू थे, मेरे पिता तुल्य थे, और स्वर्गीय प्रथमा जी वो भी मेरी एक माता तुल्य थी। देख रहे हो आज जो गांव का मैन, एक छोटा सा गांव में अपना जो एक राष्ट्रीय स्तर को मैच जो हो रहा है, एक नई शुरुआत यहाँ थे देखने में मिल रही है, ये प्रेरणा थे मोस्टली बच्चन मिलेगी। प्रेरणा ये मिलेगी कि आज इस गांव में है, ये इसी के डेवलप को देख के देखेंगे कि यहाँ के जो भामाशाह ने इन ऐसा मतलब क्या कि डेवलप किया है, तो उसके साथ साथ क्या कि दूसरों के भी विचार आएगा और गांव में स्वास्थ्य और खेल की भावनाएं क्या कि जागृत होगी, जिससे यहां के जो नवयुवक हैं वो खेल में क्या कि आगे जाएंगे और एक प्रतिस्पर्धा होगी और उनको एक मौका मिलेगा। अगर ये ग्राउंड नहीं होता तो शायद आज ये जो मैच हो रहा है अपन नहीं देख पाते, और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आगे आने वाले दिनों में ये बहुत बड़ा स्टेडियम के रूप में होगा और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मैच भी कहेगी होंगे, हम ये आशा रखते हैं। थैंक यू सर।